मित्रों जय माता दी। माता रानी की कृपा से आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सभी कन्या राशि के लोगों को जातकों को आज का दिन कैसा रहेगा और आज आप सभी कन्या राशि के लोगों के जीवन में किस प्रकार की खुशियों का आगमन हो सकता है। दिल को बहुत ही बड़ा चोट लगने वाला है मित्रगण। 8 जुलाई 2022 दिन आप सभी का कैसा रहेगा। कन्या राशि के लोगों के जीवन में अचानक से संबंध बनेंगे। दिल और दिमाग में ताला मार कर देखो। जीवन में कुछ कर दिखाना है तो कुछ कर दिखाने वाला कार्य करो। आज आपके लिए कैसा रहेगा, किस प्रकार की खुशियाँ मिलेंगे आज के दिन का आपका व्यापार व्यवसाय कैरियर लाइफ आप सभी का स्वास्थ्य कैसा रहेगा तथा माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप सभी के जीवन में कौन सा बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति हो सकती है तो आपका लकी नंबर लकी कलर कौन सा रहेगा। भाग्य का साथ और किस्मत का सपोर्ट किस प्रकार बढ़ सकते हैं। आपके जीवन में किस प्रकार लाभकारी परियोजनाओं को बनाना भी किस प्रकार सुपर बेहतर हो सकते हैं तो आज आपको बताएंगे सारी जानकारी। तो वीडियो बहुत इंपोर्टेंट, बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ऐसे में इस वीडियो को पूरा से पूरा अवश्य देखें ताकि आपके जीवन में चली आ रही परेशानियों से आप सभी को छुटकारा मिलने के साथ साथ आपके जीवन में खुशियों को प्राप्त करने के मौके मिल सकते हैं। तो आप लोगों को सारी जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे तो वीडियो को अंत तक देखें। उससे पहले वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। माता रानी के भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो दोस्तों आज का दिन दोगुने रात चौगुने मेहनत का फल मिल सकता है। दोस्तों कोई सामाजिक रूप से या फिर राजनीतिक संपर्क के द्वारा आपको कोई भी साहस कार्य संपन्न हो जाने वाला है। विशेष तौर पर महिलाओं की क्षमताएं और प्रतिभाएं उन्हें मुकाम हासिल करने में मदद कर सकते हैं। युवाओं को अपने किसी भी प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है। किसी को भी पैसा उधार बिल्कुल ना दें क्योंकि उसके वापसी जो है संभव और सुनियोजित बिल्कुल नहीं की जा रही है। यह चीज़ों को लेकर विकसित करने का कार्य हो सकते हैं। युवाओं को किसी भी प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है। किसी को भी पैसा उधार ना दें, उनकी वापसी में सुनियोजित नहीं है। संबंधों में भी इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। अपने नकारात्मक बातें आपके वर्तमान को खराब कर सकती हैं, इसलिए उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपनी कार्यप्रणाली या किसी भी चीज़ों को लेकर अस्पष्ट जरूरी होंगे। कार्यप्रणाली को लेकर अभी और भी मनन और चिंतन करने की जरूरत रहेंगे। व्यावसायिक पेपर और फाइलों को लापरवाही के पूर्वक ना करें। इंक्वायरी हो सकती है ऑफिस में किसी नए प्रोजेक्ट की। आज आप लोग नया कार्य कर सकना है करना। वैवाहिक संबंधों में नज़दीकियाँ बढ़ सकती हैं। प्रेम संबंधों में मार्यादित पूर्ण कार्य कर सकते हैं। जी हाँ, आप सभी जीवन में स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों अपनी जांच अवश्य करवा लें, इलाज करवा लें। अभी अपने विचारों को समझना थोड़ा मुश्किल लगेगा। जी हाँ, अपने विचारों को समझना थोड़ा सा तो मुश्किल लगेगा। जी हाँ मित्रों, कन आप सभी को बता दूँ कि आज के दिन जब तक आप किसी भी बातचीत पर नापसंद करेंगे नहीं करेंगे, लोगों के मेल झोल बना रखने के बाद भी खुद को अलग रखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आज आपको करियर से संबंधित गलतियों को सुधारने का मौका आप सभी को मिल सकता है। तो जीवन में खुशियां मिलने का समय एवं वक्त आ चुका है। कोई भी फैसला पॉलिटिकल होकर लेना होगा। इनसे आप अपने कार्य को वो बेहतर अंजाम दे पाएंगे। निकट संबंधियों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर कोई गंभीर और लाभदायक विचार विमर्श हो सकता है। घर में धार्मिक आयोजन संबंधित योजनाएँ बन सकती हैं। दूसरों के मामलों में बिन मांगे सलाह भी दे सकते हैं, वरना मानहानि जैसी स्थिति बन सकती है। अपने स्वभाव में सकारात्मकताएँ बनाए रखें। तनाव की वजह से आपके कुछ काम अधूरे रहेंगे, फैसले भी गलत हो सकते हैं। व्यवसाय संबंध असंवेदन की स्थिति में भी या कोई निर्णय को लेने से पहले अनुभवी व्यक्तियों की सलाह अवश्य लें। आर्थिक स्थिति यह समय सामान्य होंगी। नौकरी पैसा वाले व्यक्तियों को अतिरिक्त कार्यभार संभालना पड़ सकता है। घर परिवार में सुख शांतिपूर्ण रूप से माहौल रहेगा। विवाहतर संबंध आपके लिए मुश्किलें उत्पन्न कर सकते हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु अपने स्वास्थ्य तनाव को हावी रखें।